यहीं से टूटेगा ये, ये तभी फटता है। ठीक है चौड़े नहीं है, क्या लगाओ ना चारों तरफ से पहले एंकर के साथ करके देख लो, फिर पता लगेगा मेरे को कितना छोटा पड़ा है। अच्छा इसको निकाल दीजिए, एक फिट का रखने से ठीक हो जाएगा। कौन सा ये गैप बी का सा? हाँ ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है ये गैप। अगर एंकर का मतलब है तो फिर थोड़ा सा छोटा बराबर नहीं कोई फर्क चक्कर नहीं है, बड़े में तो कोई पूरा प्रॉब्लम नहीं है। एक फिट का रखने से ना, एक फिट का गैप रखने से ठीक हो जाएगा। हाँ साइज तो ओवरऑल छोटा करना पड़ेगा ना, साइज अगले का थोड़ा छोटा कर देंगे ना साइड से। हाँ साइड से तो ठीक है ये मेरे को लग रहा है। देखो जैसे ये है ना, ये तो पत्थर से दब जाएगा, जॉइंट जॉइंट ये तो दब जाएगा जॉइंट जॉइंट से। करेक्ट, ये ठीक हो जाएगा, बड़े से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है यार ये साइज ठीक है, तो डेढ़ फीट भी ठीक ही है फिर। ये बीच वाला छोटा कर दो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ ये देखो ना हवा है, यहाँ से फटने का डर रहता है। ये दोनों से इसके स्क्वायर के अंदर इसको दब जाना चाहिए बस, हर एक एंकर पॉइंट जैसे ये आया हुआ ना, अब यहाँ से आएगा लेकिन ये वाला इसको सपोर्ट देती रहेगी। पीछे से भी थोड़ा इसमें है ना सर, सामान रखने के लिए है। और गुरु मेरे खोल के देख इसको पहले। हाँ सर देख पूरा, खिड़की है वो नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए जैसे सामान अंदर से एक्सेस कैसे होगा सर। सामान सामान क्या था, दोनों तरफ से भी चल रहा है सामान। दरवाजा है, हाँ दरवाजा है तो अंदर से लेना होगा। एक्चुअली एंट्री तो वहीं से है, यहाँ थोड़ा को एंट्री। अच्छा ये भी है साइड से, ये भी होती है ये इसको लॉफ्ट इसको जो होता है जाने के लिए, इसके अंदर रक्षक वगैरह रखने के लिए होता है। सारी रोक इसको तंबू को तैयार तो करो पहले, रस्सी को लगाओ इसमें क्या है इसकी रस्सी इसके का। हाँ है ही नहीं है, है सर देखिए वो हमने ये इसलिए नहीं लगाना कि वो पतला वाला लगाना नहीं, हम रोप डालेंगे सर। रोप इस बिल्कुल पतला है ना, रोप इसमें पड़ेगी रोप बोला ना कि ये इसमें डाल के एंगल करेंगे। ये वार्निंग पड़ रहा होगा मलिक।